सामान्यतः हम अपने जीवन में अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं। अलग अलग तरह के तिलक लगाने से किस तरह का लाभ होता है, किस तरह का फायदा होता है, आइए समझते हैं। चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। आप अपने मस्तक पे चंदन का तिलक लगाएं, आपका मन शांत होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, ज्यादा एकाग्रता से आप काम कर पाएंगे। रोली और कुमकुम का तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ता है। रोली का तिलक लगाएं या कुमकुम का तिलक लगाएं, आपका आलस्य दूर होगा और आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं अपने मस्तक पर, तो इससे नाम और यश बढ़ता है और जो महत्वपूर्ण काम हैं वो बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। गोरोचन, गाय से मिलने वाला एक पदार्थ गोरोचन है। गोरोचन का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको विजय की प्राप्ति होती है। अगर आप अष्टगंध का तिलक लगाते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। भस्म का तिलक लगाएं या राख का तिलक लगाएं तो इससे दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा होगी। तो अलग अलग तरह के तिलक लगा करके आप अपनी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो चंदन का तिलक लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।